Okay, you can start now. Okay. Good morning. Today we have among us Mr. Vishal Bhundia. He has completed his BE from LD College of Engineering. He joined SR, which is currently known as Nayara, through campus placement. He is currently working as a manager in Nayara. So with immense pleasure, I invite you, sir. Hello. Hello. Okay. स्टार्ट कर सकते हैं सर आप. हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. गुड आफ्टरनून. सब मुझे सुन सकते हैं? यस सर. अच्छा, मेरी आवाज आए, उन लोग की आवाज मुझे नहीं आएगी? नहीं आएगी ना. ना सर, आपको नहीं आएगी. अच्छा, ओके ओके. So we are go through the some basic fundamentals of distillation and distillation column, how it works and operates with different aspect, which product we are getting and which temperature pressure parameter we are want to achieve. So I will share the screen. दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है आप लोग को? यस सर. ओके, सो चालू करते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग चेक करेंगे, क्या है ओवरव्यू, क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम, कौन कौन सी यूज होती है इंडस्ट्री में. वैसे आप पढ़ने में भी देखते होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम. फिर प्रिंसिपल्स क्या है डिस्टिलेशन के, और कॉलम डिजाइन कैसे होता है. तो हम पढ़ तो लेते हैं कि ये है कॉलम, यहाँ से फिट जाता है, यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगी, यहाँ से वेस्ट मिलेगा, लेकिन वो किसके ऊपर से डिजाइन होता है, कितनी हाइट होगी, कितनी विड्थ होगी, कौन से प्रेशर टेम्परेचर के पैरामीटर हम लोग सेट करेंगे, वो सब पहले प्री डिजाइन होता है. उसके ऊपर से ही ये डिजाइन बनती है कॉलम की. फिर हमको कौन सा डिजाइन प्रोडक्ट कितने टेम्परेचर पे चाहिए, कितने प्रेशर पे चाहिए. ठीक है, तो हम चालू करते हैं ओवरव्यू से. As a process in which a liquid or vapor mixture of two or more substances is separated into its component fraction of desired purity. तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग एक वेपर लिक्विड मिक्सर जो हमारे पास है, एक से ज्यादा कंपोनेंट हो गए उसमें, मिनिमम दो तो रहेंगे तो ही डिस्टिलेशन करना पड़ता है, वरना सिंगल कंपोनेंट के लिए तो कोई सेपरेशन प्रोसेस ही नहीं है. ठीक है, दो होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं, पंद्रह भी हो सकते हैं. जैसे मैं रिफाइनरी में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो रिफाइनरी में जो हम क्रूड यूज करते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं. जो फिनिश प्रोडक्ट हमको मिलता है, जैसे पेट्रोल मिल गया, डीजल मिल गया, एलपीजी मिल गया, नेप्था मिल गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स मिलते हैं, तो वो सब क्या है, मैनी हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन मिक्सचर होता है, जिसको हम कट्स करके डिफरेंट डिजायर प्रोडक्ट में हम लोग अचीव करते हैं. ठीक है, तो दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस रहेंगे तो हमको उसमें से कोई एक सब्सटेंस को प्योरली फॉर्म में अचीव करना है, सेपरेट करना है, तो हम यूज करेंगे डिस्टिलेशन. बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द वेपर ऑफ द बॉइलिंग मिक्सचर विल बी रिचर इन द कंपोनेंट दैट हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट. अभी ये आप लोगों ने
बेसिक तो पढ़ा ही होगा कि कोई भी सब्सटेंस का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक ड्यू पॉइंट होता है। तो जैसे ये हम लोग बाइनरी मिक्सचर पकड़ के चलते हैं कि दो कंपाउंड रहेगा ए और बी, तो एक का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, एक का ज्यादा रहेगा। तो हम लोग उसको धीरे धीरे हीटअप करना चालू करेंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, जैसे एक का 100 है, एक का 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर अचीव होगा तो कंपोनेंट ए बॉयल होना चालू हो जाएगा। तो जो वेपर फॉर्म में ऊपर की तरफ उठेगा तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपोनेंट ए रहेगा, ठीक है, क्योंकि 80 डिग्री टेम्परेचर पे सिर्फ ए ही बॉयल होगा। बी को बॉयल होने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो वो हम लोग अचीव नहीं किया, हमने 90 डिग्री टेम्परेचर पर रोक दिया है हीटिंग, या तो स्टेबल कर दिया है कि 90 डिग्री तक हीटअप होता रहेगा। तो हमको वेपर फॉर्म में कौन सा मिलेगा, कंपोनेंट ए जो कि 80 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, 100 डिग्री पे बी है जो बॉटम में ही पड़ा रहेगा क्योंकि 100 डिग्री अचीव ही नहीं हो रहा है, तो वो वेपराइज होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब बेसिक प्रिंसिपल है डिस्टिलेशन के। कंजप्शन ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो अभी ये क्या है, इस ऑपरेशन में बहुत सारी एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है इन द फॉर्म कि आपको हीटअप करना है, कोई भी जो बाइनरी मिक्सर है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी वाला, तो उसको हीटअप करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। तो ठीक है, स्मॉल स्केल पे तो नहीं बात करें, हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे बात करें, तो बहुत टन्स ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल है, तो उसको गर्म कैसे करेंगे, उसको गर्म करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कूलिंग, कूलिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग वेपराइज कर दिए है कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, जो हमको वेपर फॉर्म में मिला है उसको वापस कूल तो करना पड़ेगा ना, वापस लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए, तो वहां पे जो कूलिंग के लिए हमको जो एनर्जी लगता है वो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ, काफी अमाउंट लगता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग वाटर है, या तो चीलिंग है, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस होती है कूल करने के लिए, जैसा हमारा मटेरियल उस हिसाब से हम लोग कूलिंग का भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अ लार्ज कंट्रीब्यूटर टू प्लांट ऑपरेटिंग कॉस्ट मे बी मोर देन 50%। तो भी ये देखो गौर करने वाली बात है कि 50% जो कॉस्ट है प्लांट ऑपरेट करने का, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टिलेशन प्रोसेस ही पकड़ सकती है। जैसे हम लोग 1,000 रुपये में प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें से 500 रुपये का कॉस्ट तो सिर्फ हमको डिस्टिलेशन कॉलम को ऑपरेट करने में ही लगता है। इसीलिए कहा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको गर्म करने के लिए फिर ठंडा करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। दूसरे भी चीज है, दूसरे भी एस्पेक्ट है, पंप वगैरह सब उसके साथ लगे होंगे, उसका भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो सब मिला के ओवरऑल हमको जो डिस्टिलेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है, तो उसमें जो कॉस्ट लगेगा वो टोटल कॉस्ट का 50% जितना रहेगा। तो इसके ऊपर से आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन होता होगा। बात करते हैं रिफाइनरी की, तो रिफाइनरी में तो बेसिक इसके ऊपर ही सब कुछ चलता रहता है, इसी के ऊपर से प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट बनाने के दूसरे ऑपरेशन है, लेकिन वो हम बात नहीं करेंगे, वो तो थोड़ा डीप हो गया। अब लोग बेसिक बात कर रहे हैं, तो डिस्टिलेशन इज द, जैसे एक यूनिट होता है रिफाइनरी में डिस्टिलेशन यूनिट, तो उस यूनिट को क्या बोलते हैं, मदर ऑफ द रिफाइनरी, रिफाइनरी की माँ जो है वो डिस्टिलेशन ऑपरेशन है, ठीक है, इसीलिए उसको मदर ऑफ द रिफाइनरी बोलते हैं। देखो ये है मोटा मोटी डिस्टिलेशन कॉलम, मैंने रिफाइनरी के हिसाब से ही इसको सेट किया है कि डिफरेंट डिफरेंट कट्स निकालते हैं, पेट्रोल, नेफ्था, केरोसिन, ठीक है। तो ये जो हमारा क्रूड ऑयल आ रहा है, बराबर, ये क्रूड ऑयल को हम यहाँ पे हीटर में से गर्म कर रहे हैं, ये छोटा सा दिखाया है, बाकी इसको सीरीज ऑफ हीटर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जितना हमको डिजायर टेम्परेचर चाहिए कॉलम में डालने के लिए क्रूड ऑयल को, उतने हीटर्स उस हिसाब से चलेंगे। जैसे फ्यूल ऑयल से फायर हो रहा होगा, फ्यूल गैस से फायर हो रहा होगा, एलपीजी से फायर हो रहा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, क्या आपको कौन सा सुटेबल पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग को चूज करते हैं। तो आप ये समझिए क्रूड ऑयल है जो हीटर में गया है, बराबर, और बॉटम ऑफ द कॉलम, कॉलम के बॉटम में पुट होगा, यहाँ पे एक डिजायर टेम्परेचर होगा जो
डिजाइन के साथ सेट होगा कि 300 डिग्री चाहिए, 350 डिग्री चाहिए, 400 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से पकड़ के चलते हैं 350 डिग्री टेम्परेचर पे ये क्रूड ऑयल यहाँ पे डंप होगा, ठीक है। 350 पे क्या होगा, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट रेंज पे है, जैसे रिफाइनरी गैस जो फ्लू गैस भी बोल सकते हैं, वो 20 डिग्री पे ही बॉयल हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। पेट्रोल है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाएगा, नेफ्ता है जो 120 डिग्री पे गर्म हो जाएगा, केरोसिन 170 डिग्री पे गर्म हो जाएगा, डीजल 270 डिग्री पे गर्म होगा, और नीचे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑयल बचेंगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, फ्यूल ऑयल है, उसका टेम्परेचर भी 300-320 के करीब रहता है, ठीक है। और बॉटम में जो बिटुमिन बचेगा, उसको VR भी बोलते हैं, वैक्यूम रेसिड्यू, ठीक है, उसका टेम्परेचर 340 डिग्री रहता है। हमने 350 पर डंप किया है तो अभी 350 पर सारा वेपर ऊपर चला जाएगा। हमको तो क्या है, पेट्रोल भी अलग चाहिए, नेफ्था भी अलग चाहिए, केरोसिन भी अलग चाहिए, डीजल भी अलग चाहिए, जिसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, बराबर। एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ड्यू पॉइंट, ठीक है। ड्यू पॉइंट ऐसी चीज है कि टेम्परेचर के जस्ट नीचे आते ही वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी, बराबर। तो अभी समझो पूरा ऊपर का जो इतना प्रोडक्ट है सबका वेपर ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। ये प्रेशर का भी फंडा रहता है, नीचे प्रेशर ज्यादा रहता है, ऊपर प्रेशर कम रहता है, बराबर। तो ट्रैवल पाथ कौन सा होगा, नीचे के ले से ऊपर की तरफ, बराबर। अभी सपोज यहाँ वेपर पहुंची तो यहाँ पे टेम्परेचर घट के 270 आ गया, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जो वेपर मिक्सचर है हमारे पास उसमें से डीजल कंपोनेंट 270 डिग्री पे उसका वापस से उसके नीचे आते ही लिक्विड फॉर्म में आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको डीजल का कट्स मिल जाएगा, ये जो वेपर मिक्सचर यहाँ पे पहुंचेगा उसका 270 डिग्री से जैसे ही थोड़ा सा नीचे टेम्परेचर आएगा यहाँ पे डीजल फॉर्म होना चालू हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। अब तक जो यहाँ से ऊपर उठा था वो वेपर फॉर्म में था, वो अभी लिक्विड फॉर्म में आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से कट्स मिल जाएगा हमको डीजल का 270 डिग्री सेल्सियस पे, बाकी का जो मिक्सचर रहेगा वो वापस से ऊपर फ्लो होना चालू होगा। जैसे ही इस लेवल पे आएगा यहाँ पे टेम्परेचर सेटअप कॉलम का ऐसा है 170 डिग्री, तो जैसे ही 170 डिग्री आएगा तो यहाँ पे केरोसिन लिक्विफाई होना चालू हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म में केरोसिन आया वो यहाँ पे जमा होगा, यहाँ से ड्रॉप से हम उसको निकाल लेंगे। अभी बचा क्या है, नेप्था, पेट्रोल, एलपीजी, जो भी एलपीजी एफजी दोनों होते हैं रिफाइनरी गैस में, वो गैसियस फॉर्म में है, वो पेट्रोल है, नेप्था, सभी अभी वेपर फॉर्म में है क्योंकि उसका ड्यू पॉइंट अभी अचीव नहीं हुआ है, 170 डिग्री अभी तक नहीं आया है। अभी क्या है, 270 डिग्री आया तो डीजल निकल गया, 170 डिग्री आया तो केरोसिन निकल गया, बराबर। अभी वो मिक्सचर ऊपर की तरफ उठेगा, जैसे 120 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन आएगा तो नेफ्था का ड्यू पॉइंट आते ही नेफ्था कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो हम लोग क्या है, इस स्टेप से नेफ्था भी हम लोग निकाल लेंगे। फिर बचेगा पेट्रोल और रिफाइनरी गैस, जैसे ही 70 डिग्री आएगा टॉप तक तो पेट्रोल भी वहां से निकलना चालू हो जाएगा। अभी जो बचा वो 20 डिग्री तक ठंडा करना है, बराबर। तो ये कॉलम का डिजाइन इस तरह है, यहाँ पे 20 डिग्री नहीं आएगा क्योंकि देखो समझ लो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही 20 डिग्री नहीं होता तो कॉलम के अंदर 20 डिग्री कहाँ से आएगा, बराबर। तो जो कूलिंग का कॉस्ट जो हमने आगे बात की थी ये रहा, कूलिंग का जो यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगता है वो इसी गैस को 20 डिग्री या बिलो 20 डिग्री तक कूल करने के लिए, जो हम लोग यहाँ पे कूलर लगाते हैं, चिलर लगाते हैं, ये स्टेप आएगा या दिखाने है, लेकिन कूलिंग का जो स्टेप है उसी में यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है कूल करने के लिए, क्योंकि ये जो गैस हमको मिला है उसको 20 डिग्री या बिलो 20 डिग्री तक ठंडा करने के लिए हमको अलग से एक्सचेंजर देना पड़ेगा, बराबर। एक्सचेंजर तो पढ़ाई होगा, यूट्यूब है, डिफरेंट 24 पास है, 48 पास है, उस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, बराबर। तो ये होता है बेसिक डिस्टिलेशन कॉलम जो रिफाइनरी में यूज होता है, जैसे बाइनरी मिक्सर है ए और बी, तो उसके लिए यहाँ पे कट्स नहीं चाहिए, उसको तो सिर्फ ए कंपोनेंट ऊपर से मिलेगा, बी कंपोनेंट नीचे से मिल जाएगा, वो बाइनरी मिक्सर। लेकिन हम लोग यहाँ रिफाइनरी के परस्पेक्टिव से बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट निकालनी है, जैसे 10 प्रोडक्ट का मिक्सर है उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट,
निकालना है। अब गाड़ी में भरना है पेट्रोल, ट्रक में भरना है डीजल, तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हमको अचीव करनी है, तो कैसे करें? तो इस हिसाब से डिस्टिलेशन कॉलम रिफाइनरी में ऑपरेट होता है, बराबर। ये तो ठीक है, सब लोग का एलपीजी का यूज़ है, पेट्रोल का यूज़ कहाँ पे है, नेफ्था में से बहुत केमिकल बनते हैं, ठीक है, ये जेट फ्यूल में यूज़ होता है, ये जो केरोसिन है हम लोग डोमेस्टिक यूज़ भी करते थे आज तक, अभी धीरे धीरे बैन कर दिया है डोमेस्टिक यूज गवर्नमेंट ने, बराबर। लेकिन ये जो एकदम हाईली प्योर फॉर्म में केरोसिन होता है वो कहाँ पे यूज होता है? जेट फ्यूल में, बराबर। जो एरोप्लेन है उसके फ्यूल में केरोसिन यूज होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, एक टर्म है वाइट केरोसिन। तो हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म में केरोसिन रहेगा वो होगा जेट फ्यूल में यूज। हम लोग जो चूल्हा जलाने के लिए यूज करते थे वो होता है अनप्योर केरोसिन, ठीक है। फिर डीजल है, ट्रक का फ्यूल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्स बनेंगे, पॉलिशेस बनेंगी, फ्यूल ऑयल है तो वो शिप में यूज होगा, ठीक है। और बिटुमिन से क्या बनता है? सड़क, सड़क जो डामर जो बोलते हैं, डामर से जो सड़क बनता है वो बिटुमिन है, जो डिस्टिलेशन कॉलम के बॉटम से मिलता है, ठीक है। इस बॉटम को भी हम लोग ज्यादा प्रोसेस करके इसमें से भी निकाल सकते हैं, पेट्रोल डीजल निकालते भी है बाय द वे, लेकिन वो अभी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो जो हम लोग यूज करते हैं वो डिलेड कोकिंग प्रोसेस होती है। डिलेड कोकिंग प्रोसेस से हम लोग पेटकोक पेट्रोलियम कोक निकालते हैं, और बाकी बचा है उसमें से नेफ्था केरोसिन वो सब भी इसमें से निकाल लेते हैं, बराबर। देखो ये जो हम लोग 100% क्रूड ऑयल होगा उसमें से कौन कौन सा कितना कितना परसेंट रहता है, तो अगर हम लोग गिने कि 100 kg क्रूड ऑयल हम लोग डिस्टिल करेंगे तो उसमें से 5 kg एलपीजी मिलेगा, 5 kg नेफ्था मिलेगा। ये जो मोटर स्पिरिट बोलते हैं, मोटर स्पिरिट, ठीक है, अपने यहाँ पेट्रोल बोलते हैं, ये यूएस टर्म है, अमेरिका में यूज है मोटर स्पिरिट, बराबर। जो पेट्रोल है वो 20 kg निकलेगा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जैसे जेट फ्यूल बोला ना, एविएशन टर्बाइन फ्यूल नाम है इसका, वो 5 kg निकलेगा। ये है हाई स्पीड डीजल, ये डीजल में दो कंपोनेंट निकलते हैं, हाई स्पीड लो स्पीड, बराबर। जो ट्रक में वो सब में यूज होता है वो हाई स्पीड डीजल होता है, वो कितना निकलेगा? 50 kg। फिर ये फ्यूल ऑयल है, 2 kg निकलेगा, बिटुमिन 1 kg निकलेगा, और सबसे खतरनाक जो चीज निकलती है सल्फर, ठीक है, सबसे जिसके ऊपर से क्रूड ऑयल का प्राइस भी डिसाइड होता है और ऑपरेशन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम भी इसके ऊपर से ही डिसाइड होता है, सिर्फ ये कंपोनेंट सल्फर, समझे। सल्फर जितना रहा, जैसे शायद पड़ा होगा या सर्च करना थोड़ा, एक स्वीट क्रूड ऑयल आता है, एक सोर क्रूड ऑयल आता है। जो सोर है उसमें सल्फर कंपोनेंट ज्यादा रहता है, स्वीट क्रूड है उसमें सल्फर कंपोनेंट कम रहता है। जो स्वीट क्रूड है उसको प्रोसेस करना बहुत ईजी है, और सल्फर जिसमें ज्यादा रहा है सोर क्रूड ऑयल, उसको प्रोसेस करना बहुत ही मुश्किल, बहुत मतलब काफी मुश्किल है। इंडस्ट्रियल लेवल पे इतना डिजाइनिंग फंडा लगाया हुआ भी उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, बराबर। तो सल्फर जितना कम रहेगा उतना हमको ऑपरेट करने में फायदा रहेगा। सल्फर का सबसे बड़ा काम क्या है? कोरोजन। पूरा ट्रे, डिस्टिलेशन कॉलम, सब कुछ कोरोड हो जाएगा अगर सल्फर सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो। अभी देखो आप लोगों ने सुना भी होगा, जो गवर्नमेंट अभी पेट्रोल पंप में जो डीजल पेट्रोल मिलता है उसके ऊपर भी नॉर्म्स लगता है, BS4, BS5, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले हुआ था कि BS4 इंजन नहीं चलेंगे, BS5 ही इंजन चलेगा, ठीक है। तो वो सब सल्फर के ऊपर है कि सल्फर उस पेट्रोल में, उस डीजल में कितना है, जितना कम रहेगा उस तरह से ग्रेड अपग्रेड होता है, ठीक है। जैसे BS5 तो उसमें एकदम कम PPM में सल्फर रहेगा, BS4 है तो उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। जितना कम सल्फर रहेगा उतना हमारा जो व्हीकल है वो भी सही तरीके से ऑपरेट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रोल क्या है? कोरोजन का। अपना व्हीकल भी कोरोड हो जाएगा अगर ज्यादा सल्फर पे चलेगा तो, ठीक है। और 10 किलो क्या बनेगा? पेटकोक, जो हम लोग यहाँ अचीव नहीं कर सकते, वो डिलेड कोकर प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद पेटकोक मिलता है, बराबर। तो ये है मोटा मोटी ओवरव्यू डिस्टिलेशन कॉलम रिफाइनरी में कैसे ऑपरेट होता है, बराबर। अभी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, कौन कौन से टाइप का कॉलम यूज होता है? तो बेसिकली दो कॉलम होता है, एक पैक बेड और एक ट्रे वाला, ठीक है। तो हम लोग पहले ये देखते हैं पैक बेड, पैक बेड कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है,
बराबर। तो पैक बेड क्या है, यूज ऑफ एन एब्जॉर्प्शन एंड डिस्टिलेशन ऑफ वेपर लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, अब ये जो पैक बेड है यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये जो पोर्शन जो क्रॉस करके दिखाया वो सब पैकिंग है, पैकिंग। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग आती है, सिरामिक पैकिंग आती है, प्लास्टिक पैकिंग आती है, स्टील का भी पैकिंग आता है, लेकिन हमको कौन सा यूज करना है वो हमको डिसाइड करना होता है हमारा कंपोनेंट जो हम डिस्टिल कर रहे हैं उसके ऊपर से, कि हम कौन सा मिक्सचर इसमें डालेंगे, कितना कोरोसिव है। ठीक है, उस हिसाब से पूरा पैकिंग जो हम सिलेक्ट करते हैं, सिरामिक लेना है, प्लास्टिक लेना है, स्टील लेना है, कौन सा लेंगे वो, रबर भी लेना है, कहीं कहीं पे रबर भी यूज होता है, रिफाइनरी भी नहीं होता, कई दूसरे केमिकल में रबर भी यूज होता है। बराबर, लिक्विड फ्लो डाउनवर्ड थ्रू द पैकिंग। अभी ये क्या है, यहाँ से लिक्विड जो होगा वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा थ्रू द पोर्शन ऑफ पैकिंग, जो पैकिंग के बीच में जो जगह बचेगा उसमें से लिक्विड यहाँ पे नीचे की तरफ फ्लो करेगा, और यहाँ से हम लोग जो वेपर मिक्सचर है वो वेपर को यहाँ से फ्लो करवाएंगे जो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, अभी लिक्विड में से जो वेपर में वह कंपोजिशन है वो वेपर के साथ एनरिच होके ऊपर की तरफ निकलेगा, और लिक्विड जो कंपोनेंट बी है जो मैक्सिमम अचीव होके नीचे यहाँ से निकलेगा। ठीक है, हमने यहाँ से ए और बी डाला है, बराबर, नीचे से ए और बी का वेपर गर्म करके ऊपर से हम सिर्फ बी का फ्लो करवाएंगे, तो क्या है कि नीचे आते आते ये ए ऊपर पूरा निकल जाएगा, बी पूरा एनरिच होता जाएगा वेपर मिक्सर में से, और नीचे प्योर बी मिलेगा, ऊपर प्योर ए मिलेगा। बराबर, तो इस हिसाब से पैक कॉलम होता है। लेकिन सबसे बड़ा इसका डिस्टरबेंस जो हमने आगे देखा ना, ये वाला सीन हम पैक बैक कॉलम से नहीं कर सकते। इस लेवल पे फ्यूल निकाला, यहाँ डीजल निकाला, केरोसिन निकाला, नेफ्था निकाला, पेट्रोल निकाला, वो ये कॉलम में नहीं बन सकता। यहाँ पे कट्स नहीं, उसको कट्स निकालना बोलते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कट्स निकाला है, वो कट्स हम लोग नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ से एलपीजी निकाला हमने, यहाँ से पेट्रोल निकाला है, यहाँ से डीजल, यहाँ से केरोसिन, ये हम लोग अचीव नहीं कर सकते पैक बेड कॉलम में। यहाँ पे सिर्फ टॉप प्रोडक्ट निकलेगा, बॉटम प्रोडक्ट निकलेगा, बीच में पूरा पैकिंग होगा जहाँ से हम लोग कट्स नहीं निकाल सकते। ये तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बराबर, तो एडवांटेज क्या है इसके, कॉस्ट एफिशिएंट। जो हमने ये वाला कॉलम देखा उसके कंपेयर में इसका काफी कम कॉस्ट रहता है। बराबर, लो प्रेशर ड्रॉप, ये जो प्रेशर ड्रॉप है नीचे और ऊपर के डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर है उसमें कितना डिफरेंस आता है, वो ट्रे कॉलम में ज्यादा आता है, पैक कॉलम में काफी कम आता है। तो इसके ऊपर से क्या है, हमको ऑपरेट करने में आसानी होती है कम प्रेशर ड्रॉप में। बराबर, और गुड फॉर थर्मली सेंसिटिव लिक्विड। तो थर्मली सेंसिटिव लिक्विड मतलब क्या है कि जो थोड़ा थोड़ा डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस पे ही डिफरेंट प्रॉपर्टी जनरेट करेंगे, 2-3 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस में, वैसे वाले लिक्विड को हैंडल करना है तो ये पैक कॉलम ज्यादा एफिशिएंट है। और उसके सामने उसका डिसएडवांटेज भी है कि पैकिंग कैन ब्रेक ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। अभी इसको इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से पैकिंग भरेंगे, इसका पैकिंग भरेंगे, ये जो अलग अलग बेड्स में पैकिंग भरे उसमें पैकिंग ब्रेक हो सकता है, ये जो पैकिंग जिसमें रेस्ट कर रहा है ये पोर्शन, बराबर, वो टूट गया तो पैकिंग पूरा नीचे डंप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब डिसएडवांटेज है इस कॉलम के। और लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड, अभी लिक्विड जो हमने टॉप में से फ्लो करवाया नीचे की तरफ, वो हम लोग पकड़ नहीं सकते कि प्रॉपर चैनल में ही फ्लो हो। ऐसा भी बने कि यहाँ लिक्विड जमा हुआ, ये इस वॉल से निकल गया, ये इस वॉल से निकल गया। बराबर, आपने पढ़ने में आपको आता होगा कि चैनलिंग जो डिफरेंट वो होते हैं ना, डिस्टिलेशन आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ ड्रॉबैक होते हैं, चैनलिंग है, वीपिंग है। बराबर, तो इस चैनलिंग जो उसमें बताया जाता है वो पैक बैक कॉलम में होता है, कि ये जो पूरा बीच में से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ और एक चैनल बना लिया थ्रू द वॉल दोनों साइड, और वहीं से नीचे फ्लो हो गया, तो हमारा वेपर का मिक्सर यहाँ से जाता रहेगा, लिक्विड यहाँ से निकलता रहेगा, तो कोई जो कॉन्टेक्ट टाइम हमको उसको देना है कंपोनेंट ए और बी को सेपरेट करने के लिए, वो हम उसमें नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल होता है इसको रेक्टिफाई करना, क्योंकि आउटर पैरामीटर से आप उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, आपको अंदर डिजाइन में ही कुछ चेंज करना पड़ेगा उसको मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है पैक्ड कॉलम का।
दूसरा जो चीज है ट्रे कॉलम। ट्रे कॉलम में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रेज होती है, एक ट्रे है, ये दूसरी ट्रे है, ये तीसरी चौथी, वैसे अलग अलग ट्रेज होती है। ठीक है, वो ट्रेज कैसे डिसाइड होती है जो आप शायद पढ़ोगे डिप्लोमा में तो शायद नहीं आता है। नंबर ऑफ स्टेज फाइंड करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है, मैकेप्थाइल मेथड है, रिगरस मेथड है, बराबर। दूसरा सॉफ्टवेयर बेस्ड भी बहुत सारी मेथड है जिससे हम लोग अचीव कर सकते हैं कि भाई हमको ये कंपोनेंट, ये जो हमारा फीड है उसको सेपरेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ ट्रेज डालनी है। ठीक है, वो थियोरेटिकली पहले कैलकुलेट किया जाता है, फिर प्रैक्टिकल किया जाता है, फिर ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ट्रे जितनी डालनी होती है वो हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस ये ट्रे वाले में क्या होता है कि हमने यहाँ से जो फीड एंटर किया, बराबर, तो ये ट्रे के ऊपर पूरा लिक्विड फ्लो करेगा, फ्लो करते 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 नीचे जाएगा ये ट्रे में, फिर यहाँ से ये ट्रे है, और नीचे जो लिक्विड बॉयल हो रहा होगा तो यहाँ से बॉयल होकर लिक्विड आ जाएगा, जो वेपर फ्लो करेगी वो थ्रू द ट्रे, ट्रे में जो होल्स होते हैं ये वहां से ऊपर की तरफ फ्लो करेगी और ट्रे के ऊपर जो लिक्विड है उस उसमें से पास होगी। तो क्या होगा कि जो लो बॉइलिंग वाला है वो कंपोनेंट पूरा वेपर के साथ चला जाएगा और हाई बॉइलिंग वाला सिर्फ नीचे रहेगा और डंप होगा फ्रॉम वन ट्रे टू अनदर ट्रे, बराबर। ये जो वेपर यहाँ से फ्लो होते होते ऊपर आई, वहां से हम लोग टॉप प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको कूल करेंगे, लिक्विड फॉर्म में लाएंगे और अपना जो प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, जो बाइनरी मिक्सर पकड़ के हम चलेंगे अगर, तो ठीक है, तो बॉटम में बी मिलेगा, टॉप में ए मिलेगा। तो इसका फंडा क्या है कि जो लिक्विड ऊपर जो जमा है ट्रे में उसके बीच में से वेपर निकलेगा, बराबर। वेपर निकलेगा तो क्या करेगा, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला उसमें वेपर के साथ चला जाएगा, जो लिक्विड भरा है ट्रे में उसके साथ चला जाएगा और जो लिक्विड है वो नीचे डंप होगा, फिर डंप होगा, ऐसे अलग 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 ट्रे पे अलग अलग मिक्सर के साथ वो जाएगा और अचीव होगा, बराबर। तो ये जो कॉलम है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाली चीज ट्रे कॉलम में पॉसिबल है, अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग कट्स निकालना, एक ही कॉलम में से मोर देन टू प्रोडक्ट निकालना, इसमें दो प्रोडक्ट निकल जाएगी, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, अगर दो से ज्यादा प्रोडक्ट निकालनी है तो हमको ट्रे वाली कॉलम चाहिए, बराबर। तो जैसे यहाँ से एक प्रोडक्ट टॉप में से तो निकलेगा ही, बराबर, इस ट्रे से हम लोग एक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, जैसे पेट्रोल निकाल लिया, इस ट्रे से हम डीजल निकाल सकते हैं, इस वाली ट्रे से हम लोग जो फ्यूल ऑयल है, बराबर, वो सब निकाल सकते हैं, केरोसिन है, बराबर। तो वैसे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा रहेगी हमको निकालनी सिंगल कॉलम में से, तो हम लोग ट्रे कॉलम यूज करेंगे, बराबर। इसका एडवांटेज क्या है, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन एकदम प्रॉपरली होगा, ट्रे के ऊपर तो पूरा लिक्विड भरा ही रहेगा, वेपर आएगी नीचे से जो पूरा लिक्विड में से पास होगी, ये तो यहाँ पे थोड़ा सा ही दिखाया है, बाकी नंबर ऑफ होल्स होते हैं ट्रे में। अगर इंडस्ट्री लेवल पर जो कॉलम होती है उसमें 1000 के करीब होल होते हैं, 1000, 2000, 3000, जैसे हमारा डायमीटर बड़ा होगा उस हिसाब से होल्स बड़े होंगे, इतने होल्स में से पास होगी वेपर और ऊपर भरे हुए लिक्विड में से फ्लो होगी, तो आप समझ सकते हो मैक्सिमम हमको सेपरेशन यहाँ पे अचीव होगा। तो इसलिए ये एडवांटेज है कि बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, लिक्विड का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम प्रॉपरली होगा, कैन हैंडल हाई लिक्विड फ्लो रेट, बराबर। अभी लिक्विड का फ्लो यहाँ से ज्यादा है, वेपर का भी फ्लो ज्यादा है, तो भी ये कॉलम सर्वाइव कर सकती है, जो ये कॉलम सर्वाइव नहीं कर सकती। नीचे से अगर हाई फ्लो रेट से तुम वेपर को फ्लो करवाओगे हाई प्रेशर से, तो पैकिंग को ही साथ लेके उड़ जाएगी, बराबर। ये पैकिंग के बीच में से ना निकलने के हिसाब से पैकिंग को साथ लेके ही निकल जाएगी, तो वो हम लोग हाई लिक्विड फ्लो रेट और वेपर फ्लो रेट को हम लोग पैक कॉलम में हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन ट्रे में कर सकते हैं, बराबर। डिसएडवांटेज भी होता है इस ट्रे कॉलम का, डिसएडवांटेज भी ये है कि हायर प्रेशर ड्रॉप देन पैक कॉलम, पैक कॉलम में प्रेशर ड्रॉप लो आएगा, जैसे यहाँ पे 1 kg प्रेशर है तो यहाँ पे 0.9 kg प्रेशर रहेगा, तो डिफरेंस है वो कम रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 kg प्रेशर है तो यहाँ पे पहुंचेगा तो 0.5-0.6 kg हो जाएगा। तो ये जो पैरामीटर को हैंडल करना है वो भी बहुत मुश्किल है,
प्रेशर को जो हैंडल करना है वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज होगा तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो फेल चला जाएगा। बराबर है, हमको जो डिजायर प्योरिटी वाला जो कैरेक्टरिस्टिक वाला चाहिए यहाँ पे वो हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे अगर प्रेशर में थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो। बराबर, तो ये इसका डिफरेंस होता है कि इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। और फोमिंग कैन अकर ड्यू टू इंड्यूस एजिटेशन। अभी क्या है, जो अभी देखो यहाँ पे 2000 होल्स है उसमें से वेपर बाहर निकली, ऊपर पूरा लिक्विड भरा है तो मैक्सिमम एजिटेशन करेगा, पूरा वॉर्टेक्स क्रिएट करना भी चालू करेगा अगर फ्लो थोड़ा सा भी बढ़ गया वेपर का। बराबर, तो उससे क्या होगा, फोमिंग चालू हो जाएगा, फ्रॉथ ऊपर बनेगा और वो ऊपर की ट्रे को टच करना चालू कर देगा, तो जो हमारा जो डिजायर सेपरेशन जो इस ट्रे पे हमको होना चाहिए वो हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, तो वो सब भी बहुत मुश्किल होता है पैरामीटर को पकड़ के रखना। ठीक है, और ये क्या है, दोनों का डिफरेंस है कि ट्रे और पैक कॉलम में क्या अच्छा है क्या बुरा है उस हिसाब से एक हमने सेपरेशन लिया है। तो ट्रे कॉलम में क्या है, तो बेटर लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हमने देखा लिक्विड का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया से होगा, ट्रे के ऊपर पूरा भरा रहेगा। बराबर, दूसरा क्या है, मोर प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस, हम लोग इसको सेट करके प्रिडिक्शन वाला हमको प्रोडक्ट जो चाहिए कि पेट्रोल यहाँ पे निकल जाएगा, नेफ्था यहाँ निकल जाएगा, केरोसिन डीजल, वो प्रिडिक्शन के हिसाब से हम लोग डिजाइन करेंगे और अचीव कर लेंगे, क्योंकि ट्रे कॉलम में ये पॉसिबल है कि तुम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हो। बराबर, और दूसरा क्या है, एनेबल टावर फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल फीड डाल सकते हैं, साइड ट्रे से हम लोग ड्रॉप निकाल सकते हैं और रिबॉयलर भी यूज कर सकते हैं। बराबर, ये जो यहाँ से जो रिबॉयलर से गर्म होके आ रहा है, यहाँ से रिफ्लक्स आ रहा है ठंडा करने के लिए, तो वो सब जो हम लोग इसमें एडवांटेज ले सकते हैं, यहाँ से डीजल निकाल दिया, पेट्रोल निकाल दिया, नेफ्था ने, वो सब हम लोग इसमें से निकाल सकते जो पैक कॉलम से नहीं निकाल सकते। बराबर, वुड फॉर केमिकल रिएक्शन, अभी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है लिक्विड और वेपर के बीच में, वो यहाँ पे सबसे बढ़िया होगा पैक कॉलम के कंपेयर में। बराबर, बेटर फॉर लो लिक्विड रेट, अभी लिक्विड यहाँ पे स्लो रेट से एंटर हो रहा है तो भी ये कॉलम सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि ये पूरा ट्रे भरा होगा उसके बीच में से ये निकल रहा है, तो लो लिक्विड फ्लो रेट होगा तो भी हम लोग इसमें सर्वाइव कर जाएंगे, जो इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिक्विड जहाँ पे लो रहेगा तो जो गैस है वो पैकिंग, और पैकिंग के साथ लिक्विड को भी उड़ा के ऊपर निकल जाएगा। बराबर, तो वो हम लोग अचीव कर सकते हैं ट्रे कॉलम में, पैक में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप बहुत कम रहता है, यहाँ 1 kg 0.9 kg है, तो मतलब हायर प्रेशर से ही फ्लो हो रहा है गैस का ऊपर की तरफ, तो वो पैकिंग भी उड़ा ले जाएगा, लिक्विड को भी उड़ा के ले जाएगा। बराबर, तो हमको जो डिजायर सेपरेशन चाहिए वो नहीं होगा, और इसमें प्रेशर ड्रॉप कम है, 1 kg नीचे है तो ऊपर 0.5 kg है, तो अक्रॉस द ट्रे प्रेशर स्टेप बाय स्टेप कम हो रहा है। बराबर, इस पे 0.9 है, 0.8, 0.5, 0.7, 0.6 तक आ गया, ऐसा करके कम होता है, तो उसमें क्या है कि लो फ्लो रेट होगा लिक्विड का तो भी कम प्रेशर की वजह से वो सर्वाइव कर जाएगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा नहीं और सही से सेपरेशन हो पाएगा। बराबर, और फिर है कैन हैव हायर टर्न डाउन, अभी टर्न डाउन क्या है कि अगर देखो ये जो कॉलम होती है उसकी कुछ कैपेसिटी होती है डिजायर, बराबर, कि इतनी कैपेसिटी पे ही ऑपरेट हो पाएगी, अगर ट्रे कॉलम रहेगी तो हम लोग उसमें फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम पे भी चला सकते हैं, एकदम मिनिमम कैपेसिटी पे भी चला सकते हैं। देखो अभी देखो ये कॉलम की कैपेसिटी है 100%, बराबर, तो ट्रे कॉलम होगा तो हम उसको 95% एफिशिएंसी पे भी चला सकते हैं, और उसका लोअर साइड है 50, 50 के नीचे ये कॉलम काम नहीं करेगी, तो हम लोग उसको 50 पे भी चला सकते हैं। देखो अभी जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बराबर, अभी विंटर आएगा तो वो प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा है, समर आएगा तो उससे कम है, और अभी रेनी सीजन में मॉडरेट डिमांड है। बराबर, तो मैं उस हिसाब से अपनी कॉलम को चला सकता हूँ, जैसे विंटर में सबसे ज्यादा डिमांड है प्रोडक्ट की तो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी पे मैं चला सकता हूँ 95 पे। बराबर, अभी समर में डिमांड लो है तो मैं उसको 50% कैपेसिटी पे भी चला सकता हूँ अगर ट्रे कॉलम मेरे पास रहेगा तो। बराबर, प्रोडक्शन कम चाहिए तो मैं कम कैपेसिटी पे चलाऊंगा, तो ये सब जो एडवांटेज है हमको ट्रे कॉलम दे सकती है, पैक कॉलम नहीं दे सकती। टर्न डाउन होता है
हायर टोवर एफिशिएंसी हमारी कॉलम की है उसका रेशियो होता है, बीच में सबसे मिलता है बराबर। सामने पैक कॉलम का हम देखेंगे तो लोअर प्रेशर ड्रॉप बराबर, प्रेशर ड्रॉप एकदम कम हो गया, मैंने बोला था नीचे 1 kg रहेगा तो ऊपर 0.9 भी मिलेगा हमको। हायर कैपेसिटी इन रिवैम्प, अभी ये कॉलम ऐसी है कि जिसको रिवैम्प करना है, रीडिजाइन करना है, तो सबसे इजी है कि जैसे यहाँ पे ग्लास का पैकिंग था, अभी ग्लास का पैकिंग इसमें नहीं चल रहा है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन वाले होते हैं पैकिंग, तो ये डिजाइन वाला नहीं चल रहा है बराबर, मून डिजाइन वाला नहीं चल रहा है, तो हाफ कट शेप वाला यूज करना है, तो इसको तुरंत ये पैकिंग निकाल के दूसरा पैकिंग हम लोग भर देंगे, तो इसका जो रिवैम्प है वो सबसे इजी है। इसके कंपेयर में ये वाला जो हमको करना है अगर चेंज, तो ये बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ये ट्रेन के दूसरी डालनी, वाल ट्रेन निकाल के बबल कैप डालना है, बबल कैप निकाल के फिक्स वाल डालना है, सीव डालना है, तो वो बहुत मुश्किल और बहुत खर्चे वाली चीज है बराबर। तो ये उस हिसाब से बहुत महंगा पड़ेगा अगर रिवैम्प करना है, तो रिवैम्प के लिए पैक कॉलम सही रहेगी, बेटर फॉर स्मॉल डायमीटर एप्लीकेशन। अभी हमको स्मॉल डायमीटर वाला चाहिए बराबर, तो उसमें पैक कॉलम सबसे इजी रहती है, छोटी कॉलम बनानी है जैसे समझ लो, स्मॉल डायमीटर मतलब छोटी कॉलम बनानी, तो पैक कॉलम अच्छी रहती है, क्योंकि ट्रे कॉलम में क्या है एक मिनिमम डायमीटर से नीचे का हम लोग कॉलम डिजाइन ही नहीं कर सकते बराबर, छोटा हम करने जाएंगे तो कॉलम एफिशिएंटली हमको वर्क करके नहीं देगी। चौथा चीज है गुड फॉर कोरोसिव, देखो अभी मैंने बोला कि सल्फर ज्यादा रहेगा तो ट्रे कोरोड हो जाएगी, वॉल कोरोड हो जाएगी बराबर, तो उस केस में पैक कॉलम जो है वो सबसे लेस कॉस्ट इफेक्टिव है, कि देखो ये जो पैकिंग है अगर वो कोरोड हो भी जाती है तो उसको बदलना सस्ता पड़ता है कंपेरेटिवली, ट्रे को बदलना जितना महंगा पड़ता है उससे कंपेयर में ये पैकिंग को बदलना का खर्च कम आता है, जैसे ये 100 रुपए में बदल सकती है तो ये 60-70 रुपीज में बदल जाएगी ठीक है। तो अगर कोरोसिव लिक्विड हम लोग यूज कर रहे हैं तो पैक कॉलम सबसे बेस्ट है डिस्टिलेशन करने के लिए बराबर, जिसमें सिरामिक पैकिंग आती है, प्लास्टिक पैकिंग है, जैसे मैंने बताया ग्लास पैकिंग है, रबर पैकिंग है ठीक है, और हैज लोअर लिक्विड होल्डअप ठीक है, ये मैक्सिमम लिक्विड होल्डअप रहेगा, अगर लिक्विड होल्डअप हमको चाहिए तो वो पैक कॉलम माचे हो सकता है बराबर। फिर एक है गुड फॉर डिस्टिलेशन बराबर, अभी ये जो है कंटिन्यूस डिस्टिलेशन है, दिन रात क्रूड ऑयल डिस्टिल होता रहता है, पेट्रोल निकलता रहता है, बिटुमिन निकलता है, गैस निकलता रहता है, सब कुछ दिन रात 24 घंटा चलता रहता है बराबर। अगर हमको बैच डिस्टिलेशन चाहिए कि एक दिन चलाना, दूसरे दिन नहीं चलाना, तीसरे दिन चलाना है, चौथे दिन नहीं चलाना है, तो ये कॉलम नहीं चलेगी, इसको कंटिन्यूसली ऑपरेट करना है तो ही ये काम करेगी, बाकी बैच में अगर करना है तो हमको पैक कॉलम चाहिए बराबर, कि आज चालू किया फिर 5 दिन नहीं किया, फिर छठे दिन किया है फिर 5 दिन नहीं किया, अगर बंद कर देना तो चलेगी बराबर, तो वो एक एडवांटेज पैक कॉलम का है बराबर। तो ये तो दोनों का डिफरेंस हो गया, ट्रे कॉलम और पैकिंग कॉलम में क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है बराबर। अभी डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल, ये तो क्या था मैंने जो भी चीज बताई ये इंडस्ट्री लेवल की है बराबर, पैक कॉलम वो कॉलम, ये जो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट निकालना है, कैसे यूज करना है, कितना प्रोडक्ट रहता है, ये तो इंडस्ट्री लेवल के हो गए बराबर। अभी आप लोगों के लेवल पे हम लोग सोचेंगे तो प्रिंसिपल क्या होते हैं डिस्टिलेशन के बराबर, एक अब बेसिक तो आप लोग बुक में पढ़ते होगे रिलेटिव वोलेटिलिटी बराबर, एक होगी तो डिस्टिलेशन होगा नहीं, एक से ज्यादा चाहिए एक से कम चाहिए बराबर, उस हिसाब से डिस्टिलेशन होता है। पहला सबसे पहला प्रिंसिपल होता है रिलेटिव वोलेटिलिटी ठीक है, तो वो तो आप पढ़ते हैं इसलिए मैंने इसमें कवर नहीं किया है। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एक मिक्सचर है ए और बी का, उसमें 50% ए है 50% बी है बराबर, एक ग्राफ भी शायद आपको आता होगा बुक में तो है, शायद पढ़ने में आपके लिए आता ही है, डिग्री लेवल पे आता है मालूम नहीं है नहीं मुझे भी ठीक है। और ए और बी का जो मिक्सर है उसमें 50% ए है 50% बी है बराबर, तो अभी उसको हम एक कॉलम में डालेंगे डिस्टिल करने के लिए, हमको ए और बी का
प्योर फॉर्म चाहिए, अलग से ए चाहिए, अलग से बी चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन कॉलम इज अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम फ्लैश विद टू फीड्स एंड टू प्रोडक्ट्स, बराबर। हम फीड डालेंगे, दो प्रोडक्ट निकलेगी, बराबर। एग्जिस्टिंग लिक्विड इज एट बबल पॉइंट, हम लोग जो हाँ ये फीड डाला है वो एकदम बबल पॉइंट पे होता है, जैसे फीड का बबल पॉइंट 150 डिग्री है, बराबर। तो ये 145 डिग्री पे ही यहाँ पे एंटर हो गया, तो 150 डिग्री पे प्रोडक्ट एयर होगा ए और बी का, बराबर। तो जो वेपर है वो एकदम ड्यू पॉइंट पे है कि उस टेम्परेचर से नीचे आते तुरंत वेपर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और लिक्विड होगा वो बबल पॉइंट पे होगा कि इस टेम्परेचर से एक डिग्री भी ऊपर गया तो तुरंत वेपर फॉर्म होना चालू हो जाएगी, बराबर। अभी वहां पे हम लोग डिस्टिलेट करेंगे तो लो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है ए का, बी का उससे ज्यादा है, तो जो वेपर बनेगी उसमें प्योर फॉर्म में ए आएगा, और जो नीचे लिक्विड बचेगा उसमें प्योर फॉर्म में बी आएगा, बराबर। अभी देखो यहां से जैसे ये लिक्विड है उसको मैंने गर्म करना चालू किया टेम्परेचर पे, बराबर। तो अभी कॉन्सेंट्रेशन 0.4 है, बराबर। तो ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे ही ये बबल पॉइंट आएगा कंपोनेंट ए का, वैसे ही वेपर फॉर्म होना चालू हो जाएगी। अब वेपर फॉर्म में क्या होगा, मैक्सिमम ए रहेगा, बी का तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो तो बॉइल होगा नहीं, जो बॉइल होगा क्या होगा, सिर्फ ए होगा। तो वेपर जो फॉर्म होगी इसमें मैक्सिमम ए होगा, बराबर। अभी यहां से आप देखोगे तो एक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, बराबर। नीचे कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे टेम्परेचर है, अभी कॉन्सेंट्रेशन एक पॉइंट पे ये 0.4 ही रहेगा, बराबर। उसको गर्म कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, गर्म होते होते ये बबल पॉइंट टच कर गया उसका, बराबर ए का। तो अभी जो वेपर फॉर्म होना चालू होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ए कंपोनेंट का बढ़ता जाएगा वेपर में, क्योंकि बी तो नीचे बच गया है, ऊपर आएगा ए। तो मैक्सिमम ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ए का बढ़ता जा रहा है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया। देखो ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, 0.4 है, 0.6 आ गया, 0.8 आ गया, बराबर। ऐसा करता गया कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, अभी ड्यू पॉइंट पर टच करते क्या होगा, बस मैक्सिमम हो गया। अब इससे ज्यादा ए कंपोनेंट वेपर में आ नहीं सकता, अब इससे नीचे जाता ही वापस से वो वेपर में से लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाए, जो हम लोग यहां करते हैं, बराबर। ये जो अपना बॉल पॉइंट तक टेम्परेचर गया था उसको फिर हम यहाँ ठंडा करेंगे आगे, तो वो कूल होके लिक्विड फॉर्म में ए निकल जाएगा, और ये जो बाय डिफॉल्ट जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था वहां तक तो हमने टेम्परेचर लेके ही नहीं गए, तो पूरा का पूरा लिक्विड नीचे जमा रहेगा, और नीचे प्योर फॉर्म में बी मिल जाएगा, ऊपर प्योर फॉर्म में ए मिल जाएगा, बराबर। अभी क्या है, डिस्टिलेशन कॉलम डिजाइन। अभी डिजाइन किस बेस पे डिस्टिलेशन कॉलम होता है, बराबर। तो सबसे पहला पॉइंट है डिफाइन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। ये तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, हमको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, या तो कोई दूसरा लिक्विड चाहिए, नाइट्रोबेंजीन चाहिए, बेंजीन चाहिए, जाइलिन चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, उस हिसाब से हम लोग डिजाइन करेंगे कि भाई इसमें एसएस का कॉलम बनेगा कि कास्ट आयरन का बनेगा, कार्बन स्टील का बनेगा, बराबर। ये तो P9, P91 ऐसा भी बहुत सारे मेटल आता है स्पेशल कैटेगरी वाले, P9, P91, बराबर। तो किस में से बनेगा वो सबसे पहले डिसाइड होगा प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, कि कौन सा हम लोग ले रहे हैं और कौन से टेम्परेचर पे चाहिए, कौन से प्रेशर पे हम लोग ऑपरेट करेंगे, उस हिसाब से वो डिजाइन होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे वो है चूज एन ऑपरेटिंग प्रेशर बेस्ड ऑन अवेलेबल कूलेंट टेम्परेचर, बराबर। अभी हमारे पास कौन सा कूलेंट है, कूलिंग वाटर है कि चिलर है, कि उससे भी नीचे जो थर्मोसेट फ्यूल होता है वो है, अगर वो हमारे पास अवेलेबल उस हिसाब से हम लोग प्रेशर कितना रखेंगे कॉलम में, बराबर। 1 kg रखना है, 1.5 kg रखना है, या 2 kg रखना है, 5 kg, 15 kg भी होता है, और इवन 55 kg भी होता है, वहां तक भी हाई प्रेशर में भी कॉलम ऑपरेट होता है, तो हमको कौन से पे ऑपरेट करना है उस हिसाब से हम लोग डिजाइन करेंगे, बराबर। तीसरा पॉइंट है चूज अप्रोप्रिएट VLE डेटा। अभी देखो ऐसा ही एक ग्राफ VLE का भी ग्राफ आता है आपके बुक में होगा, मुझे मिला नहीं इसलिए मैं यहाँ डाल नहीं पाया, ठीक है। तो VLE डायग्राम के ऊपर से वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम डायग्राम इसको बोलते हैं,
कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेज पे एग्जिस्ट करेंगे, उसके ऊपर सिर्फ लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, उसके ऊपर या तो उसके नीचे सिर्फ वेपर एग्जिस्ट करेगा, उस हिसाब से जो डायग्राम बनता है हमारे प्रोडक्ट का। जैसे हमको पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल का VLE डेटा किस हिसाब से है, किस टेम्परेचर पे कितना प्योर पेट्रोल निकलेगा, उस हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं कि हाँ ये टेम्परेचर ये प्रेशर हमारा ऑपरेटिंग प्रेशर रहेगा कॉलम में, उस हिसाब से हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, बराबर। फिर एक चीज है कैलकुलेट द नंबर ऑफ थियोरेटिकल ट्रे। जैसे मैंने पहले बोला था, शायद आपको पढ़ने में एक ही मेथड आता है, मैकेबेन थायल मेथड, ठीक है, वो पूरा थियोरेटिकल है। उसमें से हम मोटा मोटी आइडिया ले सकते हैं कि भाई कितना नंबर ऑफ ट्रेस चाहिए, लेकिन थोड़ा इफेक्टिव अगर चाहिए तो रिगरस मेथड भी आता है, फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड भी आता है, एस्पान सॉफ्टवेयर करके आता है, उसमें भी हम लोग नंबर ऑफ ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री पे मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्टवेयर बेस ही होता है, थियोरेटिकल बेस नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर बेस से ही हम निकालते हैं कि भाई 100 ट्रे चाहिए, 50 ट्रे चाहिए, 70 ट्रे चाहिए, उस हिसाब से, बराबर। फिर सिलेक्ट ट्रे एफिशिएंसी, अभी हमको कौन सा ट्रे चाहिए वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमको बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है कि सीव ट्रे है, फिक्स वाल्व है, फ्लोटिंग वाल्व है, बबल कैप है, बराबर, एडवांस सीव ट्रे है, तो उसमें से कौन सी हमको लगेगी हमारा जो डिजायर सेपरेशन अचीव करने के लिए, उस हिसाब से हमको सिलेक्ट करते हैं कि भाई सीव ट्रे चलेगा। सीव ट्रे सबसे सस्ता आता है, बबल कैप महंगा आता है, मॉडिफाइड वाल्व ट्रे उससे महंगा आता है, फिक्स वाल्व में कभी उससे ज्यादा अमाउंट लगता है। तो हमको कौन सा एफिशिएंटली काम करके देगा उस हिसाब से हम लोग पसंद करते हैं। जैसे सीव ट्रे से हमारा काम हो जा रहा है तो हम बबल कैप क्यों लगाएंगे, क्यों इतना ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर से हम ट्रे एफिशिएंसी निकाल के ट्रे कौन सी यूज करनी है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर है सिलेक्ट अप्रोप्रिएट टावर इंटरनल्स, बराबर। अगर हम पैक कॉलम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनल्स क्या भरेंगे, कौन सा पैकिंग भरेंगे, किस साइज का पैकिंग भरेंगे, कौन सा शेप वाला पैकिंग भरेंगे, अगर पैक कॉलम डिजाइन करेंगे तो हमको वो पॉइंट ध्यान में रखना है, बराबर। फिर है परफॉर्म टूवर साइजिंग एंड ट्रे हाइड्रोलिक्स, ठीक है। अभी जैसे ये हाइड्रोलिक्स हम बोलेंगे तो प्रेशर के फॉर्म में आता है कि कौन से प्रेशर पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये प्रेशर ये ट्रे सस्टेन कर जाएगी या बेंड हो जाएगी, कभी माल फंक्शन कर गया, इमरजेंसी आ गया, तो इसका मैक्सिमम हो गया हम लोग एक केजी पर सीएम स्क्वायर पे चला रहे हैं और 5 केजी चला जाएगा इसका इमरजेंसी में प्रेशर, तो ये ट्रे 5 केजी प्रेशर को सस्टेन कर पाएगी या तो बेंड हो जाएगी या तो टूट जाएगी, वो सब लोग हम कैलकुलेट करके फिर डिसाइड करते हैं कि कैसे कॉलम का डिजाइन करना है, बराबर। और सिलेक्ट अ प्रोसेस कंट्रोल स्कीम। अब प्रोसेस कंट्रोल स्कीम ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, पॉइंट मैंने ले लिया है थोड़ा इंडस्ट्री का आपको और भी हो, इसलिए प्रोसेस कंट्रोल स्कीम किसको बोलते हैं कि यहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है उसका कौन सा टेम्परेचर तक कूलिंग करना है, वो कूलिंग के लिए हम लोग कौन सा कूलेंट यूज करेंगे, उसके ऊपर हम लोग कौन सा कंट्रोल वाल्व यूज करेंगे, कंट्रोल वाल्व से उसका ट्यूनिंग कैसा रहेगा, बॉटम में कौन टेम्परेचर चाहिए, अगर हमको यहाँ पे डिग्री टेम्परेचर चाहिए और 100 डिग्री नहीं आ रहा है तो हम लोग रिबोइलर से उसको गर्म करके वापस डालेंगे, तो रिबोइलर में कितना अमाउंट ऑफ ये जो बॉटम वाला पोर्शन जाना चाहिए, कौन सा रिबोइलर को बाईपास करके जाने देना है, वो सब कंट्रोल स्कीम के ऊपर होता है, बराबर। वो थोड़ा हायर लेवल पे, लेकिन मैंने थोड़ा पॉइंट ले लिया क्या, वो थोड़ा समझ में आया कि भाई अपने आप ही होता है वो जो कंट्रोल स्कीम है, वो सबसे पहले कि हमको फिजिकली ऑपरेट नहीं करना, वो अपने आप ऑपरेट होगा, बराबर। जैसे यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए और 80 डिग्री आ गया है तो उसको गर्म करने का पड़ेगा 20 डिग्री तक, तो वो अपने आप कंट्रोल यहाँ से ओपन होगा, इस फीड को जाने देगा, रिबोलर में भी रिबोलर से गर्म होकर 100 डिग्री टेम्परेचर, जैसे यहाँ TI लगा होगा टेम्परेचर इंडिकेटर, जैसे ही 100 डिग्री आएगा तो ये फ्लो वापस से अंदर गिरना चालू हो जाएगा, वो अपने आप चलता है, उसमें ना किसी इंसान की जरूरत है ना किसी दिमाग लगाने की जरूरत है। तो वो जो ट्यूनिंग हम पूरा करेंगे वो प्रोसेस स्कीम होता है। तो थैंक यू गाइस, ये था ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पर डिस्टिलेशन कैसा काम करता है उसके ऊपर, बेसिक है वो तो आपको मिल जाएगा, बराबर, वो तो बुक में है, आपके साहब जो नितेश सर है वो भी आपको पढ़ाते होंगे, तो बेसिक वो चीज मैंने कुछ समझाने का वो नहीं रखा है, क्योंकि देखो मैं इंडस्ट्री में काम करता, तो इंडस्ट्री लेवल पे
कैसे चीजें काम करती है, कैसे कॉलम काम करते हैं, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है, बराबर। तो वो सब मैंने कवर किया है कि कैसे आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ओवरव्यू दे सके कि इंडस्ट्री में कैसे ये काम करता है, ठीक है। देखो बेसिक जो है, जैसे मैंने बोला रिलेटिव वोलेटिलिटी है, डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं, कैसे डिस्टिलेशन काम करता है, वो थोड़ा बहुत फंडा तो आप वैसे भी पढ़ते ही होंगे बुक में, बराबर। इसलिए मैंने वो कवर नहीं किया है, बराबर। सो थैंक यू गाइस ध्यान से थोड़ा सुनने के लिए, आई होप ध्यान से ही सुना होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, जॉब के बारे में कुछ जानना चाहता है, कि वहां से फिनिश होके आप डिप्लोमा इंजीनियर मार्केट में निकलोगे तो सर जॉब रोल क्या रहता है, कौन सा इंडस्ट्री कैसा काम करना पड़ता है, कौन सा रिस्क वाला है, कौन सा कम रिस्क वाला जॉब है, सब जानना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। किसी को भी क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है स्टूडेंट्स। ओके थैंक यू सर। थैंक यू फॉर द वेबिनार टुडे, इट वाज अ प्लेजर टू अटेंड एंड यू हेल्प मी आर्टिकुलेट पार्ट्स ऑफ माय रोल वेल एंड कंसीडर न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ leadership. I will be able to carry the lesson learned there going forward. Thanks again for your sharing your knowledge. Thank you, sir. Thank you. Thank you again. Thank you. Leave for the surface.